तो नगर निगम चुनावों को लेकर बुलाए गए इंडियन नेशनल लोकदल की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के बैठक में चुनावी मुद्दों, मैनिफेस्टो और इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आरएस चौधरी ने बताया कि नगर निगम चुनावों को लेकर कल इंडियन नेशनल लोकदल की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें नगर निगम चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से निष्कासित किए गए सांसद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला द्वारा पार्टी बनाए जाने को लेकर कहा है कि समय समय पर पार्टियां बनती रही हैं और समय आने पर या तो पार्टियां समाप्त हो गई या फिर मेन पार्टी में शामिल हो गई। इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा बुलाई गई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और निष्कासित किए गए सांसद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला द्वारा पार्टी बनाए जाने पर इंडियन नेशनल लोकदल पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में बातचीत के माध्यम संवाददाता अनिल कुमार ने इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आरएस चौधरी से। नगर निगम चुनाव को लेकर इनेलो के क्या मुद्दे रहेंगे, इस समय मेरे साथ हैं इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आरएस चौधरी, इनसे जानते हैं। जी चौधरी, प्रदेश में 5 निगम क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा हुई है और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बयान भी दिया है कि हम निगम चुनाव के अंदर भाग लेंगे। दूसरी पार्टियों के भी आए हैं। इस संबंध में कल हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होने जा रही है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी और क्या हमारी रणनीति होगी 5 निगम क्षेत्रों के अंदर, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या सामूहिक समस्याएं हैं, क्या लोकल समस्याएं हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूं, जब पहली दफ़ा हमने गुड़गांव के अंदर निगम में चुनाव में भाग लिया था तो हमने वहाँ पर अपना एक सेपरेट मैनिफेस्टो जारी किया था, इस पर भी चर्चा होगी। तो जो भी एक कंसेंसस होगा, ये सब लोगों की राय एक होगी, उसी हिसाब से आगे की रणनीति की बनाई जाएगी। तो सर, जिस तरह अभी आपने कहा है कि पीछे जो चुनाव हुए थे उसमें मैनिफेस्टो जारी किया था, अब भी मैनिफेस्टो जारी किया जा सकता है क्या? अच्छा, यदि पार्टी कल वहाँ पर निर्णय होगा कि हमने 500 में भाग लेना है या कम लेना है या जो भी पार्टी की निर्णय होगा, जो एक सामूहिक निर्णय होगा, अगर यदि होगा तो हम प्रयास करेंगे, अगर हम भाग लेंगे तो हम हर निगम क्षेत्र के लिए सेपरेट मैनिफेस्टो बनाने के कोशिश करेंगे, बाकी सर्वसम्मति पर निर्भर करता है। जो सब जिस तरह आपने पहले भी कहा है कि जो चुनाव बसपा और इनेलो गठबंधन मिलकर लड़ेगा, तो टिकटों का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा? ऐसा ये तो बैठ करके हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं और हमारे जो प्रतिपक्ष नेता हैं उधर से, उनकी तरफ से भी जो बैठ करके होगा, देखा ये जाएगा कौन कैंडिडेट जीत सकता है, कौन कैंडिडेट किस क्षेत्र के अंदर अपनी पकड़ ज़्यादा रखता है। बेसिकली आधार यही होगा, विनिंग कैंडिडेट कौन है, उसी आधार के ऊपर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो सब आपकी पार्टी नगर निगम चुनाव लड़ने जा रही है, क्या सिंबल पर इनेलो लड़ेगी या बिना सिंबल के लड़ेगी? हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पार्टी निगम के चुनाव में भाग लेगी और सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। कल हमारी जो पीएसी की मीटिंग होने जा रही है उसमें इस पर विस्तार से चर्चा होगी और जो भी सर्वसम्मत निर्णय होगा उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जो सब आपके पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की कल अहम बैठक है, उसमें और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? मुख्यतः निगम चुनाव के बारे में ही चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है, इसलिए मुझे कोई संभावना नहीं है किसी और मुद्दे पर, लेकिन जब मीटिंग हो तो कोई और मुद्दा कोई अन्य सदस्य उठा देता है तो वो उसके हिसाब से चर्चा हो जाएगी, लेकिन मुख्यतः ये निगम चुनाव के बारे में ही मीटिंग बुलाई गई है। जो सब जिस तरह से इनेलो ने दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और उसके बाद अजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित किया है, आपको लगता नहीं कि इनेलो पार्टी पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि वोट बैंक एक ही है? ऐसा सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं,
कि भाई जिन महानुभावों को पार्टी से निष्कासित किया गया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं किया है, ये उन्हीं का निर्णय है। पार्टी को तो उनके आदेशों की पालना की है, पार्टी स्वयं ना तो इस प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अधिकृत किया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। जहाँ तक ये समय समय पर पार्टियाँ बहुत बनती रही हैं, चंद्रशेखर जी ने बनाई थी समाजवादी जनता पार्टी थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाई थी समता पार्टी थी, मोरारजी देसाई में जनता पार्टी थी, 84 के अंदर तो DMKP थी, दलित मजदूर किसान पार्टी। तो इसी प्रकार हरियाणा के अंदर आपके राव वरिंदर सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, बंसी लाल जी ने विकास हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, इस तरह से चोरी भजन लाल जी ने जनहित कांग्रेस बनाई थी। समय के साथ ये पार्टियां बढ़ी हैं और समय के साथ ये पार्टियां मेन पार्टी में फिर आके शामिल हो गई हैं या समाप्त हो गई हैं। तो ये राजनीति में इस प्रकार का खेल होता रहता है। ये थे मेरे साथ इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव RS चौधरी। इनका कहना है कि पार्टी अध्यक्ष पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि कल 24 तारीख को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, उसमें तय किया जाएगा नगर निगम चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।